बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हद बर्दारी के हवाले से है कि ज़रई राजी की बाबत दफ़ा 117 लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो हद बर्दारी जो है वो कौन कर सकता है, उसमें क्या तरीक़ाकार है, और फर्दर हम ये मुख्तलिफ अपना इसी हवाले से सिविल और रेवेन्यू कोर्ट की अख्तियारा जो कि रेवेन्यू के हवाले से हैं उनकी बात करेंगे, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि ये क्या डिफरेंस है और इसका क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊं, मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, ये मैं एक साइटेशन है जिसका मैं हवाला दूंगा, ये 2011 MLD 1962 है, जिसमें हद बर्दारी के हवाले से बात की गई है। ये हद बर्दारी का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ऑफिसर को, यानी जो कलेक्टर के उहदा हो जिसके पास, यानी जैसे एसी साहब असिस्टेंट कलेक्टर हैं तो वही जो है वो अख्तियार उसी के पास है, वही एप्लीकेशन को जो है वो इंटरटेन कर सकता है, इसके अलावा किसी के पास ये अख्तियार नहीं है। और इसी तरह अगर रेवेन्यू ऑफिसर जो है इसके पास ये भी अख्तियार है कि वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी जो है वो उसकी दुरुस्तगी का अख्तियार भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, और वो भी कलेक्टर के अख्तियार हैं, एक्सक्लूसिव अख्तियार हैं। और इस सूरत में अगर कोई शख्स अदालत में दरख्वास्त देता है कि मेरा रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जाए तो वो गैरकानूनी तो हम नहीं कह सकते, बहरहाल ये है कि वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। यानी इसमें ये है कि कलेक्टर के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड की करेक्शन का अख्तियार भी है, और इसी तरह से जो कलेक्टर हैं उनके पास ज़रई ज़मीन की हद बर्दारी के हवाले से भी अख्तियार हैं। ये एक्सक्लूसिव अख्तियार हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हैं। अगर कोई शख्स इस दौरान में कोई सिविल कोर्ट में कोई ऐसा दावा करता है तो वो इंटरटेन नहीं होता, क्योंकि दफ़ा 170 के तहत 172 लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफ़ा 172 के तहत इसका अख्तियार सिविल कोर्ट को हासिल ना है। और इसी तरह हम ये और एक तो साइटेशन हैं जिसको मैं समझता हूँ कि इनका हवाला भी देना बहुत ज़रूरी है कि शामला तराजी से अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती कोई बेदखल कर देता है तो ऐसा करने वाला शख्स जो है वो नजायज़ काबज़ तसव्वुर होगा। ये मेरे पास साइटेशन है 1997 SCMR पेज 338 है। और इसी तरह फर्दर है कि आबादी देह की तकसीम का क्या जो है वो सिविल कोर्ट के पास है, ये भी मेरे अपना पास ये साइटेशन है 2016 PLD 8 पेशावर। यानी ये जर्नल सी कोटेशंस थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि हद बर्दारी या फिर शामलात के हवाले से हैं। अक्सर हमारे जो व्यूअर हैं वो पूछते रहते हैं कि सर ये हद बर्दारी का क्या तरीक़ाकार है, इसी तरह अगर हम शामलात है तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और इसी तरह से अगर कोई और यानी रेवेन्यू की तकसीम है, कोई आबादी दे है तो उसकी तकसीम कैसे हो सकती है। और इस तरह मैं ये आबादी देह की तकसीम के हवाले से भी जिक्र करता चलूँ कि आबादी देह की तकसीम का अख्तियार सिविल कोर्ट को हासिल है, जो मैं पहले भी इसमें बता चुका हूँ कि 2016 PLD 8 पेशावर है। और इसी तरह एक और हदबंदी के हवाले से, हदबरदारी के हवाले से साइटेशन है जिसमें ये लिखा गया है कि हदबंदी एक संजीदा किस्म का काम है जिनको खिलाफ असूल या बेकायदा तरीक़ा से कराने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, 2014 CLC 335 है। यानी इसमें भी यही जिक्र है कि इसका अख्तियार जो है वो हर रेवेन्यू ऑफिसर के पास नहीं है, सिर्फ कलेक्टर के पास है, जो रेवेन्यू कलेक्टर है उसके पास इसका अख्तियार है, और वही ऐसी एप्लीकेशन जो है वो इंटरटेन कर सकता है, इसके अलावा ना तो सिविल कोर्ट कर सकती है ना ही और कोई पटवारी वगैरह गिरदावर वगैरह जो है वो उनकी इजाज़त या हुक्म के बगैर कर सकता है। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।